राप्ती नदी व सरयू एवं उसकी सहायक नदियों के जलस्तर पर लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि राप्ती व सरयू घाघरा एवं सहायक नदियों व तटबंधों पर स्थापित बाढ़ चौकियों को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील कर दिया जाए और किसी भी अप्रिय स्थिति से संबंधित सूचना इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराया जाए। जिसके संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों पर अलर्ट है, सभी संबंधित विभागों द्वारा तैयारियां पूरी हैं, जिला प्रशासन बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम FR राजेश कुमार सिंह ने कहा। लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है और देखा जाए तो नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए क्या व्यवस्था प्रबंध है? नदियों का जो जल स्तर बढ़ रहा है उस पर लगातार दृष्टि रखी जा रही है और गोरखपुर में आयुक्त महोदय के स्तर पर भी, जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर भी बाढ़ के संबंध में बैठकें हो चुकी हैं। सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी ऐसी बात आती है तो उसको तत्काल देखा जाए और उसका समाधान किया जाए। सर, बाढ़ चौकियाँ स्थापित की जाती हैं और NDRF की टीम भी लगती है, नाई भी लगती है, कुछ बोर्ड भी लगे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं, इसकी क्या व्यवस्था? बाढ़ चौकियाँ एक्टिवेट कर दी गई हैं, NDRF के साथ बैठक करके उनके भी पोजिशनिंग करा दी गई, प्री पोजिशनिंग करा दी गई है, नावों की व्यवस्था है, सभी तहसीलों को अलर्ट पर रखा गया है, कहीं ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग बचाव के लिए तैयार हैं। सर, स्थानीय लोग हैं जो आसपास के गांव के लोग हैं, इनके लिए क्या इस तरह का कोई कंट्रोल रूम नंबर या कोई नंबर जारी किया गया है जिससे वो सूचना दे सकें? जो हमारा आपदा का कंट्रोल रूम चल रहा है वर्तमान में, कोरोना आपदा कंट्रोल रूम चल रहा है, वही कंट्रोल रूम आगे कंटिन्यू रहेगा। इसके कुल 8 नंबर हैं जो लगातार न्यूज़पेपर्स में भी निकल रहे हैं, उसको अलग से हम प्रचारित फिर से करा देंगे। तो सर, उन लोग क्या कहेंगे जो नदियों किनारे बसे हुए हैं, गाँव हैं, झोपड़ी डाल के रहते हैं, पशुए हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहिए? नहीं, उनमें SDMs मौके पर जा करके उनसे चर्चा कर चुके हैं। हमारे एकाध गांव ऐसे हैं जो कटान की मुहाने पे हैं, ये खजनी का एक गांव है, कोई हरिहरपुर या हरिपुर गांव है, तो वहां के लोगों से भी बात हो गई है कि बाढ़ आने के पहले वो शिफ्ट हो लें और उनमें हम लोग पूरी मदद करेंगे। पशुओं के लिए सर क्या व्यवस्था है? पशुओं के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा भूसे का टेंडर कर दिया गया है, भूसे की पर्याप्त व्यवस्था है।